आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। अफगानिस्तान में हालात हर बीतते दिन बिगड़ते नजर आ रहे हैं और ऐसे में हर बीतते दिन सरकार जो है वो अब भारत यात्रियों को लाने के लिए जद्दोजहद कर रही है और इसीलिए तमाम हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दी गई हैं और लगातार बता दें एयर इंडिया की टीम की तरफ से भी फ्लाइट्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है। और साथ ही बता दें आपको काबुल में जिस तरह से तालिबान ने कब्जा किया है उसके देखते हुए उसे हालात जो हैं बेहद ही खराब हो गए हैं और ऐसे में तो बता दें जिस तरह से काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है ऐसे में अब हर देश जो है अपने नागरिकों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है और इसीलिए भारत भी लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह वो वहां पर फंसे हुए काबुल में फंसे हुए भारतीयों को वापस ले आए। हालांकि कल सुबह भी एयर इंडिया की एक फ्लाइट आई थी जिसमें 129 भारत के यात्री जो हैं वो वापस लाए गए थे और ऐसे में एयर इंडिया की दो फ्लाइट्स को स्टैंड बाय रहने के लिए कहा गया है और साथ ही कहा गया है कि इमरजेंसी में किस तरह से लाया जाए लोगों को, इसीलिए इमरजेंसी क्रू और इमरजेंसी के लिए दो प्लेन भी जो है वो स्टैंड बाय में रहने के लिए तैयार कहा गया है। साथ ही सरकार ने स्पेशल हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है और हेल्प डेस्क स्पेशल सेल भी बना दी है ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और लोग सकुशल और सुरक्षित अपने देश वापस लौट आएं, क्योंकि जिस तरह से काबुल में हर बीतते दिन स्थिति बेहद खराब हो रही है उसे देखते हुए हर देश जो है वो ये चाहता है कि वो अपने नागरिकों को जल्द से जल्द वापस अपने देश बुला ले। और हो सकता है आज दोहा से तालिबान के कुछ नेता काबुल पहुंच रहे हैं तो ऐसे में हो सकता है कि आज वहां दोहा से पहुंचने वाले तालिबान नेताओं में से कोई एक जो है वो राष्ट्रपति भी बन जाए, इसका ऐलान भी हो जाए। लगातार हर बीते दिन काबुल में स्थिति बेहद खराब हो रही है और ऐसे में इसीलिए लगातार भारतीय जो वहां पर फंसे हैं उन्हें लाने की जद्दोजहद भी की जा रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया है कि स्पेशल सेल बनाई गई है और साथ ही भारतीयों को वापस लाने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई भी समस्या के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और साथ ही सरकार आपकी मदद भी करेगी लगातार और स्पेशल
सेल तैयार की गई है। साथ ही एयर इंडिया के दो हवाई जहाजों को भी तैयार किया गया है इमरजेंसी सिचुएशन में भेजने के लिए काबुल, क्योंकि लगातार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी वहां फंसे हुए हैं और वहां से निकलना चाहते हैं, अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। इसीलिए सरकार भी उन सभी लोगों की हर मदद कर रही है, हर संभव कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उन सभी लोगों को वापस जो है वो लाया जा सके। और ऐसे में लगातार बता दें कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप जो है संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 9717785397। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर देती हूँ, 9717785397। और एक ईमेल आईडी भी दी गई है, ईमेल आईडी है meahelpdeskindia@gmail.com। ये हेल्पलाइन, ये ईमेल एड्रेस भी दिया गया है और उसमें कहा गया है कि इन हेल्पलाइन नंबर और ईमेल एड्रेस के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं। और इससे जुड़े मुद्दों से एक सेल की स्थापना भी की गई है जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर और जीमेल आईडी भी जारी की गई है। और ऐसे में बता दें, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी दी है कि आईएमए ने लोगों को वापसी और अफगानिस्तान से अन्य तरह के अनुरोधों के लिए एक स्पेशल अफगानिस्तान ने सेल की स्थापना की है जिसके जरिए लोगों को वापस लाया जा सकेगा और लोगों को संपर्क करने में कोई परेशानी ना हो। इसीलिए ईमेल एड्रेस और नंबर भी जारी किया गया है ताकि लोग संपर्क कर सकें और वापस अपने देश लौट सकें। अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ दुनिया में किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। दो साल तक जहां दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की सेनाएं रही हों, उस किले को तालिबान ने चुटकियों में मसल दिया। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और ऐसे में काबुल में अफरा तफरी की तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। लेकिन काबुल को लेकर एक मंथन कतर के दोहा में भी चल रहा है। तालिबान के बड़े नेता अफगानिस्तान में सरकार बनाने को लेकर आज कोई ऐलान कर सकते हैं और साथ ही अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति पद के लिए तालिबान जिस मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को का नाम आगे किया है वो भी दोहा में ही मौजूद है। और ऐसी खबरें हैं कि आज तालिबान के बड़े नेता दोहा से काबुल आकर नई सरकार को लेकर कोई ऐलान कर सकते हैं। वहीं अफगानिस्तान में बदलती सत्ता ने दुनिया के समीकरण को भी हद तक बदल कर रख दिया है। चीन, रूस, तुर्की और पाकिस्तान नई तालिबान सरकार को मान्यता देने की बात कह चुके हैं। साथ ही मौजूदा हालात के लिए सब अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चीन और रूस और पाकिस्तान ने तो काबुल में अपनी एम्बेसी भी खाली नहीं करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर चीन ने तालिबान के शासन में स्थायी रहने की उम्मीद जताई है, तो वहीं अमेरिका के विरोधी ईरान ने भी कहा है कि अमेरिका की हार से शांति की उम्मीद जागी है। पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय पैरा एथलीट टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इन खेलों में इस बार भारत की ओर से 9 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट में 54 पैरा एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ इस कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी जुड़ेंगे। और साथ ही बता दें, टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक इन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। ऐसे में भारत की ओर से इस बार पैरा ओलंपिक खेलों में अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेने जा रहा है। बता दें कि 8 अगस्त को समाप्त हुए टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के एथलीटों ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और भारत ने इन खेलों में गोल्ड समेत 7 मेडल अपने नाम किए थे। अब देश को पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों से मेडल जीतने की उम्मीदें हैं। और इससे पहले पीएम मोदी ने कल टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीटों की को नाश्ते पर भी बुलाया था और इस दौरान उन्होंने स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु को आइसक्रीम पार्टी भी दी थी। दरअसल टोक्यो रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने सिंधु से बात करते हुए कहा था कि आपकी टोक्यो में सफलता के बाद मैं आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। पीएम मोदी एथलीटों से आज बातचीत करेंगे और ऐसे में बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार ने एंटीजन टेस्टिंग किट के निर्यात पर रोक लगा दी है। बता दें, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और सरकार ने सोमवार को कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के निर्यात पर रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशक ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के निर्यात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। एक्सपर्ट्स को प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल चीजों के एक्सपोर्ट के लिए DGFT से लाइसेंस या मंजूरी लेनी होती है और माना रहा है कि सरकार का यह कदम देश में टेस्टिंग किट की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर थम चुकी है, हालांकि एक्सपर्ट्स लगातार तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में जल्द कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के निर्यात पर भी रोक लगाने का फैसला किया है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना के 3 करोड़ से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि इस महामारी से अब तक 4,31,642 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में 32,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 35,909 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं रिकवरी रेट भी बढ़कर 97.48% पहुंच गई है। ये मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है और अब देश में 3 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना से अभी भी ठीक हो चुके हैं। सुष्मिता देव ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कांग्रेस छोड़ा है और ऐसे में असम के सिलचर से 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण है और क्योंकि 2014 में मोदी की प्रचंड लहर में वो यहां से जीती थी तो उनके पिता संतोष मोहन देव सिलचर से ही 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। वो असम की स्थानीय राजनीति में CA और NRC को लेकर खुद को घिरा महसूस कर रही थी। शायद यही वजह है कि उन्हें पिता के नक्शे कदम पर चलकर आगे का रास्ता दिख रहा है। असम में जिस तरह से NRC के बाद राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ है और विधानसभा चुनाव में BJP जीत कर आई है, उनकी राजनीतिक विरासत भी प्रभावित हुई है। हालांकि CA और NRC को लेकर TMC का रुख भी कांग्रेस की तरह ही रहा है। सुष्मिता के पिता संतोष मोहन ऐसे सांसद रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट के असम और त्रिपुरा दोनों ही जगहों पर सक्रिय रहे। वो 7 बार से 5 बार सिलचर से और 2 बार त्रिपुरा पश्चिम से भी 1989 और 1991 में सांसद रह चुके हैं। एक से ज्यादा अधिक जनसंख्या वाले राज्य में उत्तर प्रदेश में सीमित परिवार की अवधारणा को कानूनी जामा पहनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 का प्रारूप सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है, जिसमें एक बच्चे वाले सीमित परिवार को अतिरिक्त लाभ दिए जाने की अहम सिफारिशें भी शामिल हैं। 2 बच्चे वाले परिवार को सब्सिडी समेत अन्य योजनाओं के लाभ से लेकर पदोन्नति की हिमायत की गई है, जबकि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के लिए सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर पदोन्नति में प्रतिबंध होगा। ऐसे लोग स्थानीय निकाय का चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। वहीं सुझावों पर मंथन के बाद आयोग के अध्यक्ष सेनावृत न्यायमूर्ति AN मित्तल के निर्देशन में प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया है और राज्य सरकार मानसून सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून के विधेयक को विधानमंडल में भी ला सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं डेल्टा वेरिएंट का खौफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में सोमवार को डेल्टा वेरिएंट के 10 मरीज सामने आए हैं, जबकि नए मरीजों के अब सामने आने के बाद से राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 76 हो गई है और इनमें से 6 मरीज कोल्हापुर से जबकि रत्नागिरी से 3 और सिंधुदुर्ग से 1 मामला सामने आया है। इस दौरान राज्य में डेल्टा वेरिएंट से 5 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में राज्य में डेल्टा वेरिएंट से पीड़ित 76 मरीज सामने आ चुके हैं। उनमें से 10 लोगों ने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज भी लगवा लिए थे, जबकि 12 लोगों ने सिंगल डोज लगवाया हुआ है। वहीं इन मरीजों के 39 महिला हैं मरीजों में शामिल, जबकि 9 बच्चे शामिल हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। ऐसे में डेल्टा से
पीड़ित 39 मरीजों की उम्र 19 साल से लेकर 45 साल के बीच में है, वहीं 19 लोगों की उम्र 46 से लेकर 60 साल के बीच में है, जबकि 9 लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है। और राज्य के स्टेट सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप अवाटे ने बताया कि 37 लोगों में माइल्ड संक्रमण पाया गया है और डेल्टा वेरियंट को ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र ने जाँच अबॉर्ड तेज कर दी है। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम सिक्वेंसिंग और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी की ओर से 10,000 से ज्यादा अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। यूपी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले शहरी सीमा के गांवों में मकान बनाकर रहने वालों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शहरों में शामिल किए गए गांवों में विकास होने तक हाउस टैक्स न लिए जाने का फैसला किया है। इन क्षेत्रों में रहने वालों से टैक्स वसूली के संबंध में कोई नोटिस भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर नगर विकास विभाग राहत देने के संबंध में जल्द ही शासन आदेश भी जारी करेगा। वहीं प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने राज्य सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इससे प्रदेश के लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के 9 नगर निगमों का सीमा विस्तार किया गया है। वहीं लखनऊ में 88 गाँव, वाराणसी में 76 गाँव, गोरखपुर में 31 गांव, प्रयागराज में 207 गांव, फिरोजाबाद, श्रीराम कॉलोनी और अयोध्या में 41 गांव शहरी सीमा में शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही आगरा, शाहजहांपुर और मथुरा वृंदावन नगर निगम का सीमा विस्तार किया गया है। इसके अलावा कोंच, खलीलाबाद, महाराजगंज, जलालपुर, बेला, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, हाथरस, मंजनपुर, सिरसवा बाजार पालिका परिषद का सीमा विस्तार के साथ प्रदेश के कुल 86 नए नगर पंचायतें बनाई गई हैं। इनमें लाखों परिवार मकान बनाकर रहते हैं, तो ऐसे में योगी कैबिनेट में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन की आंच अब उत्तराखंड में भी भड़कने लगी है, क्योंकि किसानों के नेता राकेश टिकैत उत्तराखंड के दौरे पर रहे, तो ऐसे में टिकैत के दौरे से उत्तराखंड की राजनीति में भी हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल 15 अगस्त के दिन राकेश टिकैत ने तिरंगा यात्रा कर किसानों को संबोधित किया था और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को होने वाली किसानों की महापंचायत के लिए लोगों से मुलाकात भी की। ऐसे में उत्तराखंड के दौरे पर सियासी पिच पर कई मायने निकाले गए हैं, क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है और ऐसे में बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में किसानों का संगठन हानिकारक रहने वाला है। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किसानों की रणनीति के लिए राकेश टिकैत से सवाल किया गया, तो राकेश टिकैत खुलकर कुछ बोलने से नहीं बोले, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने काफी कुछ बोल दिया, जिसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में भी कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। आज पूरा एक ये तिरंगा यात्रा थी जो नानक मत्था से शुरू हुई और इसमें कुछ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, कुछ ये कई जगह झंडा फहराया, लोग उसे मिले, बातचीत हुई, मीटिंगें हुई और 5 तारीख की मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत है 5 सितंबर की, उसमें लोग आएंगे और दिल्ली के आंदोलन में लोग आते रहे और जाते रहे और अपने खेत पर भी ध्यान रखें, MSP पर भी ध्यान रखें, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखे सरकार। काशीपुर ITI थाना क्षेत्र में कोसी नदी से अवैध खनन करने की सूचना लगातार सामने आ रही थी, जिसकी शिकायत आला अधिकारियों से भी की गई, लेकिन काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र उत्तर प्रदेश जिला रामपुर की सीमाओं से जुड़ा हुआ है और पुल के एक तरफ उत्तराखंड की सीमाएं हैं तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा है। जहां पुल के एक तरफ उत्तराखंड की सीमाओं में हरियाली देखने को मिलेगी, तो वहीं उत्तर प्रदेश की सीमाओं में गहरे गहरे गड्ढे देखने के लिए मिलेंगे और कोसी नदी के इन गहरे गड्ढों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के खनन माफिया प्रशासन के ऊपर हावी होते नजर आ रहे हैं। खनन माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की जिम्मेदार सरकारी तंत्र की उदासीनता, गठजोड़ के चलते अवैध खनन के काले कारोबार को अंजाम दिया जाता है और अब जब उत्तर प्रदेश के अधिकारी कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करने बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो खनन माफिया तुरंत उत्तराखंड के अंदर अपने वाहन ले जाते हैं, जिसके चलते ITI थाना क्षेत्र अवैध खनन के रूप में बदनाम होता हुआ दिखाई दे रहा है।
अपना ये इधर उत्तराखंड है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हरियाली है, अच्छा खासा चलता है यहाँ पे, ना ज़्यादा प्रदूषण है। लेकिन यूपी में अवैध खनन चलता है, तो इसकी शिकायतें भी आती रहती हैं, रोड वगैरह भी ज़्यादा मतलब चोरी से जाता है, तो ठीक नहीं है यहाँ पर। उत्तराखंड तो सर इसमें तो अभी हो रही है हरियाली, इसमें सर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर यूपी में है कि थोड़ा गड्ढे वड्ढे लगे हों और खनन का काम चल रहे हैं, ये तो अब हमें भी पता नहीं है इतना कि कहाँ जाता है, बाकी गाड़ी चल रही है। हम लोग को शिकायत मिली थी कि बॉर्डर एरिया पे खनन किया जा रहा है, त्वरित तुरंत तहसील प्रशासन के और पुलिस की भी टीम भेजी गई थी, और वहाँ टीम ने हमें यही अवगत कराया है कि जिस एरिया में खनन चल रहा है वो यूपी का क्षेत्र है, ना कि वो उत्तराखंड का क्षेत्र है। और इसमें वहाँ पे जो मौजूदा लोग हैं उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ की, उन्होंने भी यही बताया कि ये यूपी के क्षेत्र में है जो है ये हम कर रहे हैं। तो ये एकदम साफ है कि उत्तराखंड में देखिए जहाँ जहाँ शिकायतें आती हैं वहाँ पे कोशिश की जाती है कि प्रशासन द्वारा संयुक्त टीम बना के त्वरित कार्रवाई की जाए। वीरचंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज से जुड़े बेस अस्पताल के इन दिनों बुरे हाल हैं। अस्पताल अव्यवस्थाओं के दौर से गुजर रहा है। हालात ये हैं कि गायनी वार्ड में बिना चादर के ही मरीज बेड्स पर जैसे तैसे दिन काट रहे हैं। जगह जगह बेड भी फटे हुए हैं। मरीज चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी से दूर दराज इलाकों से अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको इलाज मिलने में 3 से 4 दिन लग रहे हैं। ऊपर से अस्पताल का वातावरण मरीज को मानसिक रूप से भी तोड़ रहा है। ऐसे हालात तब हैं जब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत खुद इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और चिकित्सा शिक्षा विभाग भी उन्हीं के पास आता है। अस्पताल के बेड्स में चादर नहीं है, सफाई कर्मी साफ सफाई करने के लिए पैसों तक की मांग करते हैं। कागज आपके पास दे रखा है? कहाँ, मेरे पास कुछ भी नहीं दे रखा है। अच्छा। उल्टा कह रहे हैं कि कागज आप तक ब्लड टेस्ट करा रखा है, तो हमने जबरदस्त हमें भी वो कर रहे हैं। हमें तो उन्होंने चेक करने थे डिलीवरी कैसे, 3 दिन तक रुका रहे हैं हमें यहाँ पे, ना हमारी ढंग से हेयर टेक हो रही है, हम आ रखे हैं लेकिन किसी भी बेड पे चादरें नहीं है। ये जैसे बच्चे वाले हैं तो चादरें तो होने चाहिए ना, पहले वाले चले गए दूसरे चादरें बिछा दो। मैंने देखा कोई डॉक्टर वगैरह भी अभी तक नहीं आए, सुबह से बच्चे हो रहे हैं, कैसे हैं कैसे नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे, कोई अच्छी सुविधा नहीं है। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं हम चमोली से आए। अच्छा, चमोली किस गांव से? हम आए इधर, ये तो उधर की है ना मेरी, ये बहू लग वो हमारी भाई की बहू है। वो बहू आई कहाँ से है? चमोली से। हाँ, चमोली किस जगह से आई है? ये आई गैरसैंण से, गैरसैंण की तरफ ही इनका घर है। बच्चे के देखभाल भी नहीं कर रहे हैं डॉक्टर को, थोड़ा क्योंकि बच्चे को नाल कैसे करनी है, कैसे कुछ और टांके में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, बस मतलब भेज दिया उन्होंने बाहर, डिलीवरी हो गई, जाओ उसमें और कुछ नहीं कर जाओ। केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत चल रहे दूसरे चरण के निर्माण कार्यों का तीर्थ पुरोहितों ने विरोध जताया है। दरअसल तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि निर्माण कार्य में ब्लास्टिंग का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे धाम में 2013 की प्रलयकारी आपदा की याद ताजा हो रही है। इसके अलावा जो कार्य आपदा के बाद किए गए उन निर्माण कार्यों को भी तोड़ा जा रहा है, और जो सरकार गलत है। और ऐसे में केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, और इन दिनों धाम में दूसरे चरण का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में धाम में मजदूर, कर्मचारी और तीर्थ पुरोहितों के अलावा कोई और मौजूद नहीं है। वहीं सरकार की ओर से यात्रा पर रोक लगाई गई है, जिसका फायदा निर्माण एजेंसियां उठा रही है। दरअसल निर्माण एजेंसी कार्य में ब्लास्टिंग का प्रयोग कर रही है, जिससे तीर्थ पुरोहितों को साल 2013 की केदारनाथ आपदा की याद आने लगी है। उत्तराखंड में आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां दौरा कर रही हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल उत्तराखंड पहुंचेंगे, और ऐसे में बता दें इसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर के जरिए दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वो उत्तराखंड पहुंचेंगे और वहीं वो इसी दौरान कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करेंगे। उत्तराखंड की प्रगति और विकास के लिए यह घोषणा एक मील का पत्थर साबित होंगी। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल देहरादून में रोड शो भी करेंगे, और अब देखना यह होगा कि यह दौरा कितना कारगर साबित होगा और उत्तराखंड के 2022 के चुनाव में इसका क्या नतीजा देखने को मिलता है।
गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।